लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए चुनाव प्रचार लगातार जारी है। पंजाब दौरे पर रहेंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो देखिए भाई तो पहुंचेंगे हिमाचल ठंडे प्रदेश में और उधर पंजाब का मोर्चा संभालेगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए करेंगी चुनाव प्रचार फतेहगढ़ साहिब। पटियाला में करेंगी चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी। चंडीगढ़ में भी चुनाव प्रचार करेंगी। तो लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के चुनाव प्रचार का जोर अब शोरों पर है। और आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज पहुंचने वाली है पंजाब। पंजाब में तीन जगहों पर चुनाव प्रचार करेगी और कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोटों की अपील करती नजर आने वाली हैं। राहुल गांधी जहां हिमाचल प्रदेश में अपना दम दिखाते नजर आएंगे, तो उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने पंजाब का मोर्चा संभाल लिया है। 1 जून को पंजाब में मतदान होना है, सातवां और अंतिम चरण है। तो पंजाब पहुंचेंगी प्रियंका गांधी जहां पर चुनाव प्रचार करेंगी, कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोटों की अपील करती नजर आएंगी, जनता से मिलेंगी, जनता से जुड़ेंगी। फतेहगढ़ साहिब और पटियाला साथ ही चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। तो लोकसभा चुनाव के सातवें चरण के लिए जो चुनाव प्रचार है वो जोरों पर है। लगातार तमाम दिग्गज पहुंच रहे हैं जनता के बीच ताकि लोगों से जुड़ा जा सके और अपनी तरफ खींचा जा सके, वोट बैंक को बढ़ाया जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा आज तीन जगहों पर पहुंचेंगे। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार करेंगे, इसके अलावा फतेहगढ़ साहिब में भी चुनाव प्रचार करती हुई नजर आने वाली हैं। तो सातवें चरण के चुनाव प्रचार का जोर जारी है। पंजाब दौरे पर रहेंगे आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, वोट की अपील करेंगी और कहेंगी कि कांग्रेस उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा वोट दी जाए। फतेहगढ़ साहिब में सुबह 11 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब चुनावी रैली को संबोधित करने वाली है। फिर पटियाला में दोपहर 1 बजे का करीब टाइम दिया गया है कि 1 बजे के करीब पटियाला पहुंचेंगी, पटियाला में चुनाव प्रचार करेंगे। फिर उसके बाद दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। तो ये तीन है जहां पर बैक टू बैक पहुंचेंगी प्रियंका गांधी, चुनाव प्रचार करेंगी और कांग्रेस कैंडिडेट के लिए वोट की अपील करती, वोट मांगती नजर आने वाली है प्रियंका गांधी वाड्रा। पंजाब में आपको बता दें कि 1 तारीख को मतदान होना है और पंजाब का चुनाव बेहद खास है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक वक्त हुआ करता था जब कहा जाता था कि कांग्रेस की पकड़ जो है वो पंजाब में सबसे ज्यादा है, लेकिन अब वो पकड़ कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। इसीलिए फिर एक बार अपनी पकड़ बनाने के लिए प्रियंका गांधी ने पंजाब का मोर्चा संभाला है।